नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल जैन डिफेंस की और एक नई वीडियो में। आज की सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है उत्तम एसआर रडार की तरफ से। उत्तम एसआर रडार का मार्क टू संस्करण तेजस मार्क टू फाइटर जेट के लिए मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और अभी इसको लेके फैब्रिकेशन वर्क शुरू हो चुका है। वहीं भारत के SU-30 MKI के लिए भी एक एसआर रडार की अभी रिक्वायरमेंट है, जहाँ इंडियन एयरफोर्स द्वारा DRDO को एक 1300 TR मॉड्यूल्स वाला AESA रडार SU-30 MKI के लिए बनाने की बात की जा रही है। वहीं भारत के एमका फाइटर जेट के लिए उत्तम एसआर रडार का Mk4 वेरिएंट बनाया जा रहा है, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा, जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होने वाला है। गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी बेस्ड उत्तम एसआर रडार का Mk4 यूनिट 2022 के अंत तक मैन्युफैक्चर हो जाएगा, जबकि इसका जो मास प्रोडक्शन है 2026 से शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान टाइम की आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 28 मई तक 5 अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट फ्रांस से भारत आ सकते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स के हासीमारा एयरबेस पर लैंड करने वाले हैं और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल फाइटर जेट का जो टोटल नंबर है वो 24 तक चला जाएगा। वहीं इंडियन एयरफोर्स की दूसरी राफेल की स्क्वाड्रन में अभी 6 एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स MMRC 2.0 डील के तहत 116 नए फाइटर जेट को भी प्रिक्योर करने जा रही है, जिसमें राफेल भी एक कंपटीटर है। तो अभी फ्रांस की तरफ से अपने हैमर प्रिसीजन एमुनिशन और M88 की हॉटकोर टेक्नोलॉजी को इस डील के तहत ऑफर किया गया है। वही एमका फाइटर जेट के लिए जो इंजन मैन्युफैक्चर होने वाला है उसके लिए भी साफ्रान द्वारा अपना ऑफर DRDO के सामने रखा गया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो साफ्रान द्वारा एक 100 KN के इंजन के लिए ऑफर रखा गया है, लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी है तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अगली अपडेट चाइना के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के तरफ से निकल के आ रही है। चाइना कंटिन्यूसली लद्दाख में अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को डिप्लॉय कर रहा है। इसके काउंटर में अभी इंडियन आर्मी के लिए DRDO 150 किलोमीटर रेंज रखने वाला मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को डेवलप कर रहा है। वहीं कुछ इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स का ऐसा मानना है कि अभी जो चाइना द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को डिप्लॉय किया गया है उनके काउंटर में भारत अपने स्वार्म ड्रोन्स को यूज़ कर सकता है। बेसिकली भारत के पास अभी स्वार्म ड्रोन्स अवेलेबल है और इंडियन आर्मी के पास भी एक सफिशिएंट नंबर में फिलहाल स्वार्म ड्रोन्स अवेलेबल होने की बात की जाती है। वही एक स्वार्म ड्रोन के साथ साथ इंडियन आर्मी के पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। भारतीय थलसेना के पास प्रणाश नाम से एक शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल फिलहाल मौजूद है, जो कि 150 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। इसके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है। फिलहाल इसके जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है उसका नाम प्रणाश बताया जा रहा है, जो कि 250 किलोमीटर की रेंज के साथ आने वाली है। वही ये जो प्रणाश मिसाइल होगी ये ज़्यादा एक्यूरेट और इसमें कुछ नए सिस्टम को इक्विप किया जाएगा, जिससे ये कॉस्ट इफेक्टिव और एक बेहतरीन सिस्टम निकल के आएगी। फिलहाल अगर हम बात करें तो रॉकेट का जवाब रॉकेट से देना ये कोई भी सेंस नहीं बनाता, वही बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी रॉकेट से ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम होती है। शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत भी ज़्यादा नहीं होती, ऐसे में रॉकेट के ही प्राइस में आने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल ऑलमोस्ट ज़्यादा इफेक्टिव ऑप्शन साबित होगी। इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगली जो अपडेट है वो इंडियन आर्मी की लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट की तरफ से निकल के आ रही है। इंडियन आर्मी अभी 350 लाइट टैंक प्रिक्योर करने वाली है। वही अभी स्वीडिश द्वारा अपना CV90 लाइट टैंक इंडियन आर्मी के लिए ऑफर किया जा रहा है। ये 105 mm की गन के साथ आता है और इसमें 45 राउंड्स एमुनिशन स्टोर किया जा सकता है। वही एक बहुत ही ज़्यादा हाई फायर रेट के साथ ये 14 राउंड पर मिनट फायर करने में भी सक्षम है। अगर हम बात करें तो इसमें 1000 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, जो कि इसे 28 हॉर्स पावर पर टन की पावर देने में सक्षम है। इसमें सेकेंडरी वेपन के तहत एक 7.62 mm की गन भी माउंट है। उसी के साथ साथ डे नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को भी इक्विप किया जा सकता है और जो हमारा आर्मर होता है उसे भी हम यहाँ इक्विप कर सकते हैं, जिस हिसाब से इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन के रूप में ये निकल के आया है। लेकिन इसका जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से शायद से ये टैंक इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर सके। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जम्मू कश्मीर के सांबा रीजन में ड्रोन एक्टिविटी डिटेक्ट की गई थी और ये पाकिस्तानी ड्रोन था जो कि इंडियन टेरिटरी में घुसाया था। फिलहाल इसने AK-47 और कुछ नंबर में एमुनिशन इसका और एक पिस्टल को एयर ड्रॉप किया, जिसके बाद ये अपनी टेरिटरी में वापस चला गया। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से ऐसी गतिविधियाँ की जाती है।
दोस्तों आज की अपडेट में बस हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आई होप आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।